वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एनसीईआरटी का है, 10th क्लास का है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। तो द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है एक्सरसाइज 4.2। इसका हमने 4.1 का भी क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इसका सेकेंड चल रहा है 4.2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम ये वाला। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट वाला दे रखा है x² - 3x - 10 = 10। तो इसे हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये वाले और ये, यहाँ दे रखा है -3x और -10। तो हमें दो संख्याओं का प्लस करने पर और मल्टीप्लाई करने पर सेम आना चाहिए। इसे प्लस करने पर -3 आ जाए और वही नंबर का मल्टीप्लाई करने पर -10 आ जाए। तो यहाँ दो नंबर्स लगेंगे, तो ऐसा नंबर्स रहेगा, सेम नंबर आना चाहिए। तो -5 और +2, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, -5 का 3 रहेगा। और 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। मतलब ये जो नंबर है, इन्हीं नंबरों को हमें इसमें रखना है। तो यहाँ हमें नंबर मिल गया, तो 5 में से 2 माइनस करने पर 3 बचेगा -1, और 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे रख लेंगे, 3 की जगह रखेंगे हम x² - 5x और +2x, क्योंकि 5 में से माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ माइनस का 5 × 2 = 0। यहाँ हमने इसे चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया। अब इनमें से कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेंगे, इनमें से लेंगे पहले, इसमें से कॉमन लेंगे और फिर इनमें से भी कॉमन लेंगे। तो यहाँ दिख रहा है x कॉमन है, और x में से ले लिया, एक यहाँ से आ गया, तो बच्चा x - 5। अब इसमें से भी कॉमन लेंगे, तो इसमें कॉमन है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो +2 x - 5 = 0। दोनों में से कॉमन ले लिया। अब यहाँ सेम आ रहा है x - 5 x - 5, तो इसे कॉमन ले लेंगे दोनों को, x - 5 बचेगा x + 2 = 0। तो ये हमारा एक्चुअली इसका कॉमन ले लिया दोनों का, लेकिन हमें इसके मूल निकालना है। हमें पूछा है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो इसके मूल निकालेंगे। तो पहले क्या रखेंगे, x - 5 = 0, ये 0 था, या और x + 2 = 0। अब इस -5 को बराबर के आगे भेजेंगे, इस +2 को भी बराबर के आगे भेजेंगे, x - में था, यहाँ जाएगा प्लस, x = 5 इस आगे भेज देंगे, x = ये प्लस में था, इधर आ जाएगा -2। तो हमारे दोनों नंबर्स मूल घात निकल गए, इसे मूल द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल रूप हमें मिल गए। तो आंसर दे देंगे, द्विघात समीकरण के मूल रूप 5 and -2 है, ये इसका आंसर है। हमसे पूछा था कि इसके मूल घात क्या है, हमने बता दिया कि इसके मूल घात 5 है और -2 है, ये दोनों इसका आंसर है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए।